प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 पेड़ पौधों की देखभाल। आज का प्रोग्राम रहेगा पेड़ पौधे। पेड़ पौधों के तने, पेड़ पौधों के तने वह भाग जो भूमि की बाहर होता है। भूमि की बाहर पेड़ पौधों का मुख्य भाग होता है तना। तने पर विभिन्न शाखाएं होती हैं। उस शाखाओं पर पत्तियां लगती हैं। पत्तियों के बाद वहां पर फूल आते हैं। फूल के बाद जैसे पेड़, इस पर पत्तियां आएगी। पत्तियों के बाद यहां पर फूल आते हैं। इस उपयोग हम सभी करते हैं। फूलों का उपयोग मंदिरों में भगवान को चढ़ाने के लिए होता है और फल हमारे भोजन के रूप में काम लिए जाते हैं। कई पेड़ पौधे तो कठोर होते हैं और उसके तने जो बड़े कठोर होते हैं वो जो है जलाने के लिए काम आते हैं। कुछ पेड़ पौधों के तने बहुत मुलायम होते हैं। उनकी डंठल सीधे खड़े भी होते हैं। वो किसी बड़े स्तंभों का सहारा लेकर खड़े होते हैं। उनके तंतु इतने मुलायम होते हैं कि दूसरों के सहारा लेना अति आवश्यक होता है और उनके ऊपर फूल फल सब्जियां लगती हैं और उसके बेले वो लंबी लंबी होती हैं। किसी लकड़ी का सहारा लेकर उसके साथ वो आगे बढ़ती रहती हैं और इनके तंतु हमारे एक सहारा लेते हुए लंबी रूप से जाते हैं। जैसे अपने आपने देखे होंगे कारले की बेल होती हैं और छोटे छोटे पौधे जो उसके पास खड़े होते हैं वो भी उसके सहारे आगे बढ़ जाते हैं। जैसे अंगूर की बेल देखी होगी, एक बड़ी डंठल होती है, वो डंठल के सहारे सहारे बेल आगे चढ़ती रहती हैं और इसके आगे जो तंतु होता है वो आगे बढ़ता रहता है और उसके ऊपर फल आते हैं। वो उसके जो तंतु के साथ बड़े बड़े से अंगूर लगे रहते हैं। इस प्रकार की कई बेलें होती हैं, मुलायम रहती है, उसका सहारा ही आधार रहता है। सहारा के आधार पर वो आगे चलती रहती है। तना हमारे लिए भोजन के रूप में काम किया जाता है। जैसे आपके सामने बताएंगे, एक तो जैसे अदरक है, गन्ना है, आलू है, मूली है, ये कठोर है। जबकि तंतु के रूप में जैसे आपके पालक की सब्जी है, पतले तंतु होते हैं और दूसरा टिंगेला है, पुदीना है, धनिया है, ये हमारे भोजन के रूप में काम किया जाता है। तो पेड़ पौधे में बहुत सारा अपना जीवन बनाते हैं। तो हमें भी दायित्व ये रहता है कि पेड़ पौधों को समय समय पर उसको सुरक्षित रखें और सुरक्षित रखेंगे तो पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो अपना भोजन भी समय समय पर शुद्ध और सात्विक रूप में मिलेगा। तो इसके लिए सुरक्षा करना हमारा दायित्व रहता है। तो हम सब मिलकर उसकी सुरक्षा लिए समय समय पर उसको पानी दें, खुदाई करें, इतना पानी ज़्यादा ना दें कि उसकी जड़ें गल जाए। जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी दें और खेतों के अंदर आप लोग देखो कि बड़ी बड़ी फसल होती हैं, बेजुआ बनाते हैं जिससे वो जानवर वहाँ कर नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। बेजुआ एक इस प्रकार का एक डंडा होता है, उस डंडे के ऊपर एक यहाँ पर एक मूर्ति की जैसे पुतले जैसा ऐसा टीया कर बनाते हैं और उसके ऊपर एक अपने कपड़े नुमा शर्ट पहना देते हैं ऐसे और ऊपर एक काला नुमा से कपड़ा लगा देते हैं। इससे पेड़ पौधों की सुरक्षा रहती है। आने वाले जानवर देखते हैं कि ये कोई मनुष्य खड़ा है सुरक्षा के लिए, इसको अपन बेजुआ कहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जितना भी पेड़ पौधे कहा जाता है, पेड़ हमें देते हैं छाया, सुमन सुगंध, पुष्प, सब कुछ हमको देते हैं। तो कुछ हम भी उसके लिए समय निकाल कर समय समय उसकी सुरक्षा करें तो उससे ये लाभ होगा कि शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, शुद्ध वायु मिलेगी। शुद्ध वायु मिलेगी तो अपना जीवन ही स्वच्छ और शुद्ध वातावरण बना रहेगा और पौष्टिकमय भोजन
मिलेगा। तो आज हमने पढ़ा पेड़ पौधों के तने एवं उसके कठोर डंठल, उनका उपयोग एवं उसकी सुरक्षा। इसके साथ ही आपको प्रश्न दिए जाएंगे इसके अंदर से, उसको आपको करना है गृहकारी और कक्षाकारी में दोनों। नमस्ते। प्यारे बच्चों, आज पाठ है 6, पेड़ पौधों की देखभाल, भाग 1, प्रकरण पेड़ पौधे। आज हम पढ़ेंगे जड़ों के पाठ। कुछ पेड़ पौधे आपने देखे होंगे, पेड़ बड़े होते हैं, पौधे छोटे होते हैं। पेड़ की जड़ें लंबी होती है जबकि पौधों की जड़ें छोटी होती है। पेड़ जड़ें जो जमीन से पानी और लवण युक्त को सोखती है, जिससे पौधों की भोजन बनाने में सहायता मिलती है। एक उदाहरण आपके सामने है कि एक हम कांच की गिलास लेंगे और उस कांच की गिलास में 2 चम्मच पानी डालेंगे और उसके अंदर 1 चौक का टुकड़ा डालेंगे। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि पानी चौक सोख लेती है। इसी तरह पेड़ पौधे भी जमीन से पानी जड़ें सोख लेती हैं और वो पत्तियों तक पहुंचाती है और जिससे वो भोजन प्राप्त होता है। हमारा राज्य वृक्ष खेजड़ी है राजस्थान का, और हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। इसके साथ साथ रेगिस्तानी पौधे 2 बताए गए हैं, कैक्टस और नागफली। ये थोड़े से पानी बसने पर भी वे पूरा जमीन से सोख लेते हैं पानी। जड़े पौधों को जमीन से बांधे रखने में मदद करती है। पेड़ पौधे हमारा जीवन का आधार है। पेड़ पौधों के आधार पर ही हमारा जीवन चलता है। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो अपना जीवन चलना असंभव रहता है। पेड़ों की जड़ें अंदर होती हैं, बाहर जो भाग होता है उसको तना कहते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें पेड़ को स्थिर रखती हैं, बांधे रखती हैं। जिस तरह जब बरसात होती है उस समय जड़ों को पानी मिलता है तो पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। हम यदि पेड़ पौधों को उखड़ने की कोशिश करते हैं वे उड़ते नहीं। इसका कारण ये है क्योंकि जो जड़ें हैं बहुत ही मजबूत हो जाती हैं, यानी पेड़ पौधों को थामे रखती है। कितनी भी आंधी तूफान आ जाते हैं उसके उपरांत भी ये पेड़ पौधे गिरते नहीं, यानी उसको अच्छा पानी मिला हुआ है। जड़े जड़े दूर दूर जाकर पेड़ की जड़ें हैं वो पानी को खींच लाती है। ये बरगद का पेड़ सबसे बड़ा होता है, इसकी जड़ें भी तने से बाहर भी निकलती है और अंदर भी होती है। बाहर जड़ें जब निकलती हैं उस समय धीरे धीरे इसकी जड़ें यहाँ से होती हुई जमीन में नीचे चली जाती हैं और जमीन के अंदर वापिस बरसात के कारण बहुत नीचे जड़ें तैयार हो जाती हैं। इससे एक नया वृक्ष और तैयार भी हो जाता है। तो पेड़ों पौधों के बारे में, जड़ों के बारे में आपको बताया है। जड़ें उसी तरह पोषण युक्त तत्वों को सोख लेती है जिस प्रकार ये चौक ने यहाँ पर सोखा है। तो आज अपने पढ़ा जड़ों के काम और जड़ों के विभिन्न भाग। एक तो इसके बरगद के बारे में, बरगद के अंदर भी जड़ होती है बाहर भी होती है, जबकि ये पौधे छोटे छोटे होते हैं, इसकी जड़ें बहुत ही छोटी होती हैं, कम पानी के अंदर भी अपना जीवन बना देती है। इतना ही आज आप आए और प्रश्न आपके अभी 5 प्रश्न ग्रह करीब होंगे और 4 प्रश्न आपके कक्षा करीब के अंदर, वो आपको निश्चित अपनी कॉपी के अंदर आना।